डोमचांच प्रखंड के अंतर्गत पूर्वी डोमचांच के महेशपुर पंचायत के चैनपुर गांव में पिछले 10 साल से आंगनबाड़ी भवन बना है, लेकिन आज तक केंद्र संचालित नहीं किया गया है, जिसके कारण लगभग 50 बच्चों को विद्यालय से पूर्व शिक्षा नहीं मिल पा रही है और लगभग 300 महिलाओं को मातृत्व जननी सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रही है। मेरा गांव में समस्या यही है कि जब से मेरा शादी हुआ है, जब से हम यहाँ आए हैं, तब से हम यहाँ की स्थिति यही देख रहे हैं कि यहाँ का छोटा छोटा बच्चा धूल माटी में खेल रहा है और यहाँ मतलब कोई तरह का साधन नहीं है, कोई भी बच्चा का पोषाहार नहीं मिल रहा है और आंगनबाड़ी बन के केंद्र खुला हुआ है मगर केंद्र चल नहीं रहा है। कितना दिन से नहीं चल रहा है, कितना दिन से बंद है? करीब अभी सुन रहे 10 साल से नहीं चल रहा है। 10 साल से। तो आपका केठो बच्चा है अभी? दो ठो। तो दोनों बच्चा जब हुआ तो आपका कुछ लाभ मिला आंगनबाड़ी से? कुछ तो मंदोती में हुआ कि अगर जानकारी हो तो हुआ जगह के सुआ ले सके, नहीं तो वो सुआ नहीं पड़ता है। प्राइवेट में जाकर के परेशानी जो पूरा चल रहा है, अभी अगर आंगनबाड़ी में बच्चा ऐसा पढ़ते ले जो खिलाल लाल गुरु है और मिलते ले अभी जो उन्हें बाहर में मिलू है चावल चीनी जो बच्चा के और तेल इथी कितना इथी होते ले। और आपका ये जच्चा बच्चा कार्ड सब कुछ नहीं बना है? कुछ नहीं बना। हम अनपढ़ तो आदमी है लेकिन पहचान पत्र भी ना ऐसा के जन्म टीपा सब कुछ ना तो बना ले। अब अनपढ़ के आदमी होते दूर हम कहाँ जी बहिया जे अगर चैनपुर के अंदर रहते ले तो जरूर बनते ले। मैं यह वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि चैनपुर गांव के सभी बच्चे व महिलाओं को ICDS समेकित बाल विकास परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रही है। इस वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से नम्र अपील करती हूँ कि जिला कल्याण पदाधिकारी अजीत नीरज सांगा को 9470978368 पर कॉल कर दबाव बनाए कि आंगनबाड़ी भवन में केंद्र संचालित किया जाए, जिससे चैनपुर गांव के सभी बच्चे व महिलाओं को समेकित बाल विकास परियोजना का लाभ मिल सके। मैं विनती विश्वकर्मा, जिला कोडरमा, झारखंड से इंडिया अनहर्ट के लिए।